फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी क्यूट स्कूल गया और 1.5 साल के बाद फ्रेंड्स वो स्कूल गया है। तो वो बहुत ही मन में घबराहट हो रहा है कि मतलब कैसे मैं छोड़ती हूँ उसको, लेकिन अभी मेरे पास स्कूटी नहीं है। तो वो अकेला गया है आज और एग्जाम्स है उसको, उसका तो उसको जाना ही पड़ा। और मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी और आपने पूरा नहीं दिखा पाई मैं आपको काम वगैरह क्या क्या की हूँ। तो मैंने उसको दे दिया थोड़ा बहुत चूड़ा और दही सब मिला के उसको खाने के लिए दे दी। और टिफिन तो लेके जाना नहीं पड़ा, सिर्फ वाटर बॉटल लेके आने के लिए बोले थे सर, और सैनिटाइज़र और मास्क, ये तीन चीज़ लेके जाने के लिए बोले साथ में। और उसका पापा नहीं है पास में, तो उसको इस बार अकेला ही गया, वो पहली बार अकेला गया है और मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। और बड़ा तो हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चे तो माँ बाप के लिए हर टाइम बच्चे ही रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम गया है ना स्कूल अकेला, मतलब साइकिल में। तो और मेन रोड भी पड़ जाता है स्कूल में, स्कूल का सामने, तो इसीलिए और थोड़ा डर लगता है। और मैंने बोली कि मैं जाके छोड़ के आऊँगी, पास में मतलब 1 किलोमीटर होगा, तो वो मना कर दिया, बोला कि नहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, आप पैदल कितना जाएंगे, फिर मुझे छोड़ के आएंगे, फिर लेने जाएंगे, इसीलिए वो मना कर दिया एकदम। मैं सिर्फ बोली कि उसको मैं छोड़ के आती हूँ, सिर्फ छोड़ने जाऊँगी, आते समय तुम आ जाना, फिर भी वो मना किया और मुझे मैं नहीं गई। पता नहीं, वो 1.5 घंटा एग्ज़ाम है और वो आएगा 9:30 बजे ख़त्म होगा, तो 9:45 तक वो आएगा शायद, देखती हूँ कितना टाइम लगाता है, इंतज़ार करती हूँ। बहुत डर सा लग रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या करेगा, और वो एग्ज़ाम भी है तो क्या करेगा पता नहीं, उसका एग्ज़ाम रहता है तो मुझे बहुत ही डर लगता है, मुझे घबराहट होता है कि जैसे लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी ऐसे लगता है। और वो जाने के बाद मैं ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मन नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगाता है वो, कब आता है वो। फ्रेंड्स, सुबह वो नहा के वो 4 बजे उठा और पढ़ाई किया 2 घंटा, 6 बजे फिर रेडी होना स्टार्ट हो गया उसका, 6 बजे से 7 बजे तक वो पूरा रेडी, एकदम तैयार, पूरा बैग वैग पकड़ के वो पूरा खड़ा हो गया। मैं बोली कि 7:15 में जाना, नहीं वो पहले ही चला गया, और 5-10 मिनट पहले ही चला गया। वो पूजा भी कर लिया है, वो खुद ही पूजा किया और स्कूल गया। और पता नहीं क्या करूंगी मैं, कुछ काम भी नहीं की। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ और बाद में बात करती हूँ आपके साथ। मैंने अभी थोड़ा काम कर ली, थोड़ा कपड़ा धो ली, बाथरूम में पड़ा था, काम करने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन टाइम भी नहीं जा रहा था, तो मैंने थोड़ा कपड़ा धो ली और बाहर डाल देती हूँ सूखने के लिए, बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो और मैंने बात भी बहुत फ़ोन करके इधर उधर बात भी कर ली, कैसे टाइम जाएगा बोल के, और
अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, टाइम भी हो रहा है। और मैंने डाल दिया कपड़ा। तो फ्रेंड्स आ गया है वो ओ आ गया, वो पूरा थक गया है और पसीना पसीना हो गया है और आके नीचे बैठ गया वो बोल रहा है पूरा थक गया हूँ मैं और पानी पीना भूल गया था इसीलिए ज़्यादा थक गया। पानी कोई पीना भूल जाता है क्या? वो एग्ज़ाम के डर से वो पानी पीना भूल गया था और बोल रहा है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और अच्छा किया हूँ नीचे बैठ गया, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, बोल रहा है पैर में दर्द हो रहा है। और गुस्सा कर रहा है कि क्यों वीडियो बना रहे हो मेरा और नीचे एकदम लेट गया है। देखिए वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो बोल रहा है। तो फ्रेश हो गया है स्कूल से आके और मैं थोड़ा उसको प्यार से समझा रही हूँ, पूछ रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम हुआ है, क्या हुआ है बोल के। तो चलते हैं, मैं उसके लिए थोड़ा कुछ बना भी देती हूँ। मेरे पास बटर है, पहले का बटर है, वो मैं इडली बनाई थी तो उसका बैटर है, तो उसका मैं थोड़ा डोसा टाइप का बना देती हूँ, वो खाएगा। वो चिड़ा खा के गया था सुबह, चिड़ा दही चीनी ये सब मिला के दी थी, थोड़ा सा खा के चला गया था, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। थोड़ा उसमें टमाटर और प्याज और ग्रीन चिल्ली छोटा छोटा एकदम काट के मैं उसमें बनाऊँगी। तो अगर आपका पास कोई मतलब बैटर बच जाता है तो आप ऐसे बना सकते हो, खट्टा भी अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप प्याज टमाटर ये सब डाल के बना सकते हैं। तो थोड़ा तेल दे के आप उसको बैटर को आप दे दीजिए, उसका ऊपर थोड़ा प्याज टमाटर ये सब जो जो भी देना है दे के थोड़ा ढक दीजिए और वो बन जाता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। देखिए मेरे पास तो धनिया पत्ता नहीं था, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं आप, मैं सिर्फ ग्रीन चिल्ली टमाटर और ऑनियन काट के डाली हूँ और करी लिप्स थोड़ा दीजिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये दे के थोड़ा बना देती हूँ, जल्दी जल्दी वो थोड़ा खा लेगा और मैंने भी कुछ नहीं खाई, उसके साथ ही खाऊंगी। देखिए बन गया है और बहुत अच्छा तो दिख रहा है और अच्छा भी लगता है, कोई भी चटनी के साथ आप उसको दे सकते हैं। मैं बादाम की चटनी बनाई हूँ, इसे प्लेन भी आप इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है प्लेन खाने से। मैं तो इसको मैं दे दिया है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं रखती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाय बाय।